सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम बैक गाइस, आज डिस्कस करेंगे आईपीएल टैबलेट के साइड इफेक्ट्स के बारे में और बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है और अच्छे से मैंने हर चीज एक्सप्लेन करी है कि अगर आप आईपीएल टैबलेट को लेते हो तो इस टैबलेट के रिगार्डिंग आपको कौन कौन से साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। गाइज देखिए, इस टैबलेट की इतनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होती है या फिर किसी से भी सुन लेते हैं कि अनवांटेड प्रेगनेंसी के रिस्क को कम करना है तो आईपीएल टैबलेट लो, ठीक है। और एडवर्टाइजमेंट में भी कितना टाइम मिलता है, सिर्फ 40 सेकंड मैक्सिमम। क्या उस छोटी सी क्लिप में, उस एडवर्टाइजमेंट के मोमेंट में जो उनका या 40 सेकंड का होता है, उसमें क्या वो अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि आपको इस टैबलेट को लेने पर कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। अगर मैं आपको मेरा ईमेल इनबॉक्स दिखाऊं तो उसमें इतने मैसेजेस आते हैं ना कि आईपीएल टैबलेट को लेने पर पीरियड साइकिल नहीं आ रहे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो आप हैरान रह जाओगे। तो ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होगी अगर आप आईपीएल टैबलेट को लेने वाले हो या फिर आपने ले ली है, तो आपको थोड़ा सी हेल्प हो जाएगी आपने आगे करना क्या है, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बिना किसी डिले के आज की इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, आईपीएल टैबलेट के अंदर लेवानोजेस्ट्रोल होता है 1.5 मिलीग्राम में और काफ़ी हाई डोज होती है। ये नेचुरल जो प्रोजेस्टेरोन होता है ना, उसकी तरह ही ये काम करता है और काफ़ी हाई डोज होती है। लेकिन जो लेवानोजेस्ट्रोल है ये सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन होता है, ठीक है, नेचुरल नहीं होता, सिंथेटिक होता है, लेकिन ये काम प्रोजेस्टेरोन की तरह ही करता है, ठीक है। और इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, कैसे यूज़ करना है, किस रेट में आपको मिलेगा, कौन कौन से इसके प्रिकॉशंस होते हैं, किन लोगों को नहीं लेना चाहिए, और इस टैबलेट के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस होते हैं ना जर्नली पूछते हैं, इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा या फिर आप वीडियो के लास्ट में भी वो वीडियो देख लेना, बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, एक बार ज़रूर देखना अगर आप आईपीएल टैबलेट को यूज़ करने जा रहे हो या फिर आपने यूज की है, ओके। तो बैक टू द टॉपिक कि आईपीएल टैबलेट ले ली है तो आपको कौन कौन से इस टैबलेट के साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो गाइज देखिए, अगर आपने ये टैबलेट एक बार ली है तो कोई दिक्कत नहीं है, साल में एक बार दो बार आप ले रहे हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये एक हार्मोनल ड्रग है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, और काफ़ी हाई डोज होती है, ठीक है। जब आप इस टैबलेट को खा लोगे तो आपका जो हार्मोन्स का बैलेंस था ना अंदर, खास तौर पर वो हार्मोन्स जो आपको आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए ज़रूरी होते हैं, जो आपको पीरियड्स लाने के लिए ज़रूरी होते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। और इस टैबलेट को एक बार खाने से, सिर्फ एक बार खाने से आपकी बॉडी को एडजस्ट करना पड़ता है 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल तक, ठीक है। बॉडी को पूरा अपनी ताकत लगानी पड़ती है, जो हार्मोन्स गड़बड़ा गए थे इस टैबलेट को खाने पर, उसको ठीक करने में आपकी बॉडी को कम से कम आपके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना 3, जब तक वो नहीं आते उतना टाइम आपकी बॉडी को लग जाता है मेंटेन करने पे, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि इस टैबलेट को बारी बारी नहीं खाना चाहिए। तो इस टैबलेट को खाने पर वही सब होता है जैसा आपको आपके यूजली पीरियड साइकिल के दौरान होता है। अगर आप हमारी वीडियोस को लगातार देख रहे हो तो आपको पता होगा कि पीरियड साइकिल के होने पर जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो बढ़ता है, क्योंकि इस टैबलेट के अंदर प्रोजेस्टेरोन ही है हाई डोज में। तो सेम वही कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती है जो आपको आपके पीरियड साइकिल के दौरान होती है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन काफ़ी हाई मात्रा में होता है, काफ़ी हाई डोज में होता है, इसीलिए जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी ज़्यादा होती हैं, ओके। तो क्या क्या होता है आपके पीरियड साइकिल में, सिर में दर्द होता है, उल्टी जी कच्चा होता है कईयों को, लोअर एब्डोमन पेन होता है, एब्डोमन क्रैम्प्स आते हैं, और ब्लीडिंग होती है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, ठीक है। कईयों को हैवी ब्लीडिंग होती है, कईयों को लाइट होती है, बैक पेन होता है, और जो फीमेल्स हैं वो इरीटेट हो जाती हैं, मूड स्विंग होता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्रेस्ट टेंडरनेस होती है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ तक सीमित नहीं है, ठीक है, क्योंकि बॉडी ने ये जो हार्मोन है ये अपने आप नहीं बनाया, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, देखिए हाई डोज आपने ली है
तो कई फीमेल्स हैं उनको विड्रोल ब्लीडिंग भी देखने को मिलती है। अब विड्रोल ब्लीडिंग क्या होती है, देखिए अगर आपका जो पीरियड डेट था वो 20 तारीख के अराउंड था और आपने ये जो टैबलेट है ये 10 तारीख को ली है, तो आपको विड्रोल ब्लीडिंग 15 तारीख के अराउंड देखने को मिल सकती है, 14 तारीख के अराउंड देखने को मिल सकती है। कहने का मतलब है कि जो एक्सपेक्टेड डेट थी उससे पहले ही आपको फेक मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। इसी को विड्रोल ब्लीडिंग बोलते हैं। कई बार इसे हार्मोनल ब्लीडिंग या रिबाउंड ब्लीडिंग भी बोला जाता है। तो इस ब्लीडिंग में क्या होगा कि जो आपको ब्लीडिंग होनी थी, जो पीरियड साइकिल में जो ब्लीडिंग होती है वो बहुत ही कम मात्रा में होगी आपको विड्रोल ब्लीडिंग में, ठीक है। यूजली जो होती है ना, जैसा पीरियड साइकिल आता था वैसा नहीं होगा, तो आप समझ जाओगे कि आपको विड्रोल ब्लीडिंग हुई है। अब जब विड्रोल ब्लीडिंग होती है तो उसके 4 वीक्स तक आपको पीरियड्स नहीं आते, और ऐसा भी नहीं है कि विड्रोल ब्लीडिंग हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो विड्रोल ब्लीडिंग अगर आपको हो गई है तो 4 वीक्स तक आपने वेट करना है, और अगर नहीं हुई तो 3 वीक्स तक वेट करना है, ठीक है। विड्रोल ब्लीडिंग एक तरह का साइड इफ़ेक्ट आप मान सकते हैं। कई बार इस टैबलेट को लेने पर पीरियड साइकिल अब्सेंट हो जाती हैं, ठीक है। दूसरा कि हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, लाइट ब्लीडिंग हो सकती है, एब्डोमन क्रैम्प भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इस टैबलेट के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स थे, लेकिन ये वहीं तक सीमित हैं गाइज अगर आप इस टैबलेट को एक आधी बार लेते हो साल में, क्योंकि ये एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। इस बात को आप ध्यान में रखकर चलें कि इस टैबलेट को आपने रेगुलर बेसिस पर यूज़ नहीं करना है। कई लोग इसको दवाई समझकर नहीं, खाने की तरह खाते हैं, टॉफ़ी समझकर खाते हैं कि हम तो इसको रेगुलर लेंगे, फिर उन्हें बाद में पता लगता है कि इस टैबलेट के उनको कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, फिर डॉक्टरों के पास जाते हैं वो, और फिर हार्मोनल थेरेपी को लेते हैं, यहाँ वहाँ की दवाइयाँ, PCOD की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती है। इसीलिए इस टैबलेट का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपने साल में एक बार दो बार ली है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जो बॉडी है वो किसी गॉड गिफ्ट से कम नहीं है, बॉडी इतनी हैवी डोज को आराम से एडजस्ट कर लेगी जैसा मैंने आपको बताया। लेकिन बारी बारी खाओगे इस टैबलेट को खाने की तरह, तो बॉडी कहाँ तक आपका साथ देगी, ठीक है ना। तो इस टैबलेट का एक आधी बार यूज़ करने पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस टैबलेट की रूटीन भी नहीं बनानी है, ठीक है। तो गाइज आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिट रखती होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो गाइज मुझे आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट।